अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अभी मेरे पास पेयर ओपन है बूम थाउजेंड। बूम थाउजेंड की ना अभी एक मूव मैंने कैच की है यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मूव जो है ना मैंने किस बेस पे जो है ना पकड़ा है इसको B1 को, और जो है ना 150 पिप्स जो है ना यहाँ से मैंने ली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि B1 ने ना यहाँ से एक लंबे वाली मूव दी है ऊपर को, ठीक है। ये पहले रेंज थी, फिर मार्केट ने इसी रेंज को नीचे को ब्रेक किया, लेकिन फिर मार्केट ने जो है ना उसी टाइम जो है ना इसको ऊपर को मार्केट जो है ना वो निकल गई। बायर्स का प्रेशर जो है ना वो B1 के अंदर आजकल ज्यादा आया हुआ है। तो फिर मार्केट ने क्या कि इसके बाद ना वापस एक रेंज के अंदर आ गई है, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आई और ये मार्केट ने जो है ना एक स्विंग बनाया, ठीक है। मार्केट ने ये एक स्विंग बनाया हमारे पास, यहाँ से ऊपर गई और ये यहाँ दोबारा टच किया, ये एक स्विंग हो गया, ठीक है। फिर मार्केट वापस ऊपर गई है, नीचे आई है। इस टीएल को मार्केट ने जो है ना वो टेस्ट नहीं किया, ठीक है। यानी कि इस टीएल को जो है ना मार्केट ने टच नहीं किया और फिर यहीं से जो है ना वो ऊपर चली गई है। इसकी भी जो है ना कुछ वजह होती है क्यों मार्केट जो है ना टीएल को जो है ना फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो बार दफा ऐसे होता है कि उस टीएल को टच करने से पहले पहले कोई स्ट्रॉन्ग जो है ना वो आप कह लें कि कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है, कोई पैटर्न स्ट्रॉन्ग बन जाता है, या सप्लाई एंड डिमांड जोन की अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसा जो है ना वो कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड हमारे पास बन जाती है कि मार्केट वहीं से जो है ना वो ऊपर निकल जाती है, तो फिर उस टीएल को जो है ना वो टच नहीं करती है। इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आप इस बात को समझे आज वाली मूव को कि ये एक स्विंग हो गया था, फिर नेक्स्ट स्विंग जो है ना वो कम्प्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो जो है ना वो बिल्कुल स्विंग की तरह है, ठीक है। प्रॉपर मार्केट ने जो है ना छोटी छोटी मूव जो है ना स्विंग के अंदर दी है और फिर मार्केट नीचे आ गई है। हमारे पास वो वही टीएल पीछे से चलती हुई आ रही थी जिस पे पहला स्विंग जो है ना कंप्लीट हुआ था, ठीक है। उसी को मैंने जो है ना ड्रॉ किया और ऊपर ड्रॉ किया, तो ये एक ना साइडवेज चैनल बन रहा था। तो अब चूंकि मार्केट यहाँ पे आ गई थी, एक दो थर्ड और थर्ड टच भी था, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि जब भी टीएल का थर्ड टच होता है तो मार्केट एक अच्छी जो है ना मूव वहां पे देता है, ठीक है, देती है मार्केट। तो मैंने पता क्या किया, मैंने ये देखा कि यार अभी यहां तक मार्केट आ तो रही है, क्या इस टीएल के अलावा यहाँ पे कोई और एविडेंस बन रहा है, क्या कोई और ऐसी चीज है जो इस मार्केट को ऊपर पंप करे। अच्छा, वो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, जरा देखें। ये जो है ना, ये अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये मेरे पास एक डिमांड पैटर्न बना हुआ है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रैली बेस रैली, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को जूम इन करके दिखाऊं ना, ये देखें जरा, हाई वॉल्यूम कैंडल है, ठीक है। फिर यहाँ पे बेस बनी है और फिर कैंडल है और उसके ऊपर गैप है। ये गैप का मतलब भी जो है ना काफी सारे मतलब होते हैं, ये भी कभी जो है ना वो डिस्कस करेंगे हम लोग इसको डिटेल में। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझें कि हाई वॉल्यूम वाली यानी कि फुल बॉडी वाली कैंडल, इसको वॉल्यूम वॉल्यूम मैं इसको वॉल्यूम जो है ना वो कैंडल बोलता हूँ, यानी कि फुल बॉडी कैंडल है, ठीक है, विक नहीं है। और इसी तरह ये इसमें छोटी छोटी विक है, लेकिन जो है ना बड़ी कैंडल है। जो है ना आप बड़ी कैंडल कहने का मतलब ये होता है कि H1 के अंदर एक बड़ी कैंडल, मैंने जो है ना इसकी एक एवरेज निकाली हुई है, यानी कि अगर एक कैंडल 60 पिप की लगती है ना तो मैं कहता हूँ कि जो है ना H1 टाइम फ्रेम के अंदर B1 पैटर्न के अंदर B1 जो है ना पेयर इसके अंदर ये एक जो है ना बहुत ही वॉल्यूम वाली कैंडल जो है ना मैं इसको कंसिडर करता हूँ। मैंने जो है ना कैंडल्स का एवरेज निकाला हुआ है कि इसकी जो है ना वो एक जब जो है ना ये बाय ट्रेंड के अंदर होता है वॉल्यूम वाली कैंडल जो है ना इसकी कितने पिप की होती है, ठीक है। तो ये कैंडल थी और फिर ये कैंडल लगी और बीच में एक बेस बनी है, ठीक है। इस बेस को मैंने मार्क कर लिया। अब मैंने आप लोगों को बताया ना कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो टीएल मार्केट को एक नीचे टीएल जा रही है उस तक पहुंचने नहीं देती, और पहले से मार्केट ने जो है ना मूव अप कर लिया, उसकी वजह यही डिमांड थी, ठीक है। अब यहाँ पे आई है मार्केट ने क्या किया, डोजी बनाई है और फिर वहीं से मार्केट जो है ना ऊपर चली गई है। तो 20-30 पिप जो है ना वो मार्केट इस टीएल से ऊपर ही निकल गई है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का ये गिला होता है कि सर हमारी लिमिट नीचे लगी हुई थी, डेरिव ने पकड़ी नहीं, ऊपर चली गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना आप लोगों ने खुद देखनी होती है कि एक टीएल तक मार्केट आपकी आएगी भी कि नहीं आएगी। अब यहाँ पे मार्केट क्यों आई है, मैं सिर्फ ऐसे बात नहीं करूंगा कि मार्केट क्यों नीचे आई, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई अब क्यों मार्केट जो है ना वो नीचे आई है, ठीक है। वो देखें जरा, यहाँ पे आई मार्केट ऊपर चलेगी, इसका मतलब है कि ये डिमांड जोन अच्छा है, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, ठीक है। बायर्स हैं तो इस वजह से बायर्स यहाँ से पंप हुए ऊपर को, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई, वापस इसके अंदर आ गई। मार्केट जैसे इसके अंदर आई फिर मार्केट ने एक मूव अच्छी दिखाई, ये तकरीबन कोई यहाँ से लेके यहाँ तक 80 पिप की मूव बनती है, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई, अब इस जोन के अंदर आई है और अच्छे स्पाइक जो है ना वो मार्केट लगा रही है, ठीक है। अच्छा,
जब यहाँ पे ये एक दफा तो ये टेस्ट हो गया, जब मार्केट अगली दफा आई तो फिर भी उसने 80 पिप की मूव दिखाई, लेकिन इसके जितनी लंबी नहीं है। इसका मतलब है कि बायर्स का प्रेशर जो है ना वो कम हो गया लेकिन अभी भी मौजूद है, कम हो गया लेकिन मौजूद है, ठीक है। का मतलब है कि बायर्स का प्रेशर है लेकिन इतना नहीं है कि यहां तक जा सके। यहां तक जाने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, एक और पॉइंट लेना पड़ेगा। जस्ट इससे 20 या 30 पिप नीचे एक और पॉइंट हमारे पास पड़ा है, कौन सा, ये वाली TL। इसको सिर्फ और सिर्फ पंप करने के लिए, अपने आप को बूस्ट करने के लिए नीचे 30 पिप आना पड़ेगा, तो नीचे TL है और वो भी बायर्स की है, वो तो इसको एकदम से जो है ना वो उठा देगी, ठीक है। दो पॉइंट मिल गए, यहाँ पे वो डिमांड जोन था मार्केट, अब बाजार हमें यही लग रहा है कि डिमांड जोन जो है ना यहाँ पे ब्रेक हो गया। लेकिन देखें ट्रेड तो हमने उस जोन को कर लिया, यहाँ पे इसको ट्रेड कर लिया था, अब हमें फायदा इसको ट्रेड नहीं करना है, अब इसने हमें इससे जो नीचे सेटअप बनना है उसमें हेल्प आउट करना है। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ठीक है। अब जैसे मार्केट नीचे आई हमें पता है कि भाई डिमांड भी है, यहाँ तक तो बायर्स का प्रेशर जो है ना वो ऑलरेडी है इस एरिया में, हमने इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाना, यहाँ से ये खुद ही जो है ना वो मार्केट को ऊपर को जो है ना वो पंप कर देगा, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ गई, उस TL पे आके मार्केट ने रिजेक्शन दिखा दी, मार्केट ने क्या किया, मूव दिखाई, ठीक है, हमने जो है ना ये मूव पकड़ ली। मार्केट यहाँ पे आके ना एकदम से भी ऊपर निकल सकती थी, ठीक है, अगर बायर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होता। दूसरी चीज मार्केट ने क्या की, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। अब देखिए मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि यहाँ से मार्केट को सिर्फ एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए, यही जोन इसको ऊपर उठाएगा, ये देखें वही जोन ने इसको ऊपर पंप किया है, ठीक है। तो बायर्स का प्रेशर था, सिर्फ एनर्जी उसकी डाउन हो गई थी, यहाँ से उसने ली है, ऑर्डर्स पूरे किए हैं और ऊपर आ गई है, ठीक है। दूसरी चीज एक और लोग भी कहते हैं इसको, वो पता क्या कहते हैं, समझिए जरा, कहते हैं कि यार जब मार्केट यहाँ से निकली है ना वापस, पता क्यों है, जिन लोगों ने अपने SL ट्रेल किए थे ना, मार्केट ने उनके SL हिट किए और ऊपर पंप करके, ठीक है। ये भी एक वजह है, ये भी कोई जो है ना वो स्ट्रेटेजी होगी, लोग जो है ना इस स्ट्रेटेजी को जो है ना फॉलो करते हैं, ठीक है। हर एक का जो है ना अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है चार्ट को रीड करने का। अच्छा हम लोग, अच्छा अब अपने मुद्दे के ऊपर वापस आते हैं, यहाँ पे आ गया और मार्केट यहाँ से पंप कर गया, क्यों कर गया, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी जो है ना वो डिमांड जोन था। अब एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, मजे की बताऊंगा, जो मैंने टिकटॉक के ऊपर और अपने इंस्टाग्राम और दूसरे जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जो है ना अपलोड की है, शॉर्ट वीडियो, ठीक है, उसके ऊपर जो पैटर्न मैंने ड्रा किया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो पैटर्न बेसिकली क्या है, ठीक है। यही एरिया है, ठीक है, इतने एरिया के अंदर एक और प्राइस एक्शन का पैटर्न बना है, बहुत ही जबरदस्त बना है, उसके ऊपर आते हैं आप। M30 टाइम फ्रेम है और पैटर्न पता क्या बना है, अगर मैं इसको यहां से ऐसे करूँ ना, ये देखें जरा, ये ठीक है, और ऐसे ये सेकंड। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट के अंदर, बल्कि आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा, पता लग गया होगा, ठीक है, ये आ गया नीचे और ये प्राइस एक्शन का पैटर्न बन गया, ठीक है। और मार्केट यहां से ऐसे गई है जैसे गोली जाती है, ये देखें कहां से नहीं लिया मार्केट ने, कोई सेल की कैंडल नहीं है बीच में, ये जो है ना ये बन गया आपके पास हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये इसका एक शोल्डर है और ये इसका एक शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा है, ठीक है। ऊपर बनता तो सीधा एक इंसान की तरह होता है, नीचे है तो इसकी टांगे ऊपर है आप कह लें, और सारे जो है ना वो नीचे, इसलिए ये क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्ट। अच्छा इसके थोड़ा सा इसके बारे में सुन लें जरा, जो होता है ना आपके पास ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ना ये बहुत कम बनता है, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न होता है, ट्रेंड को रिवर्स करता है, क्योंकि M30 है उसके अंदर ट्रेंड, M30 का कितना होता है, M30 का ट्रेंड जो ना वो छोटा ही होता है, अगर H4D1 में होता तो हम कहते हैं कि भाई ये वीक तक जो ना ट्रेंड चलेगा, ठीक है। अब इस पैटर्न की जो खसूसियत है ना वो पता क्या है, एक तो ये है कि इसकी छोटी से छोटी मूवमेंट जो है ना 100 पिप से ज्यादा होगी, ठीक है, ये जब भी कहीं पे बनेगा ना M30 H1 टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए, अगर ये वहां पे होगा ना तो आपको 100 से 150 पिप की मूव जो है ना ये आराम से देगा, और देगा भी 2 या 3 घंटों के अंदर अंदर, ठीक है, लंबा टाइम नहीं लगाएगा, शूटर आपको जो है ना वो मूव देगा, ऐसे इसने जो है ना वो यहाँ पे किया है, ठीक है, ये पैटर्न बना है। अच्छा जो है ना ये आप कह लें कि मुझे सबसे अच्छा जो है ना पैटर्न लगता है प्राइस एक्शन के अंदर, ठीक है, इसके जो फेल होने के चांसेस है ना ये बहुत ही ज्यादा कम है। कभी मैं आप लोगों को ना इसकी टेक्निकल स्टोरी बताऊंगा,
हर पैटर्न की ना एक टेक्निकल स्टोरी होती है, यानी कि ये पैटर्न बना है, इसने सेलर्स को कैसे कमजोर किया और बायर्स को कैसे एनर्जी दी है, वो मैं कभी आप लोगों के साथ ये इसको ना खोल के एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को ना। इसके अंदर सारा जो है ना आप कह लेंगे जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इसके अंदर वाला, कैसे जो है ना इसने सेलर्स को नीचे किया है, बायर्स को कैसे पंप करता है, क्या इसके अंदर जो है ना वो मोटर फिट कर देता है, प्राइस एक्शन फिट की हुई है जो ये ना मार्केट को ऊपर भगाता है, ठीक है मैं कभी बताऊंगा। तो जब भी कभी हेड एंड शोल्डर बने तो आप लोगों ने जेन में रखना है कि ये हमेशा 100 से 150 पिप की मूव देता है। नहीं मेरी बात पे यकीन आ रहा, मार्केट खोल लें, B1 के ऊपर देखें, सारा आपको जो है ना वो मिलेगा, M30, H1, इन्हीं दो टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे ज्यादा जो है ना ये बनता है, ठीक है। तो ये जो है ना वो पैटर्न बना है और इसके ऊपर जो है ना वो मैंने ट्रेड की है, ठीक है, और मार्केट जो है ना वो आप लोगों के सामने की है। अच्छा अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है आप लोगों को वीडियो जो है ना वो कैसी लगी है, कोई भी क्वेश्चन होता है आप लोग मुझसे पूछ लिया करें। अच्छा एक आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है, इनशाला अगले 1 या 2 वीक में ना मैं बिगिनर्स के लिए जो है ना जो नए लोग हैं ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक प्लेलिस्ट लॉन्च करूंगा, ठीक है, 2 प्लेलिस्ट लॉन्च करूंगा, एक स्पाइक के नाम से और एक बिगिनर्स के नाम से। बिगिनर्स के अंदर मैं टोटल आप लोगों को स्क्रैच से बताऊंगा कि भाई जो बंदे ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना उनको कौन कौन सी चीज सीखनी चाहिए, ठीक है, और कैसे कैसे सीखनी चाहिए, ठीक है। इधर तो जो लोग रोलर डाला हुआ है, प्राइस एक्शन सीख लें, SMC सीख लें, ये सीख लें, वो सीख लें, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, एक चीज आप लोगों को सिंपली ट्रेंड लाइन आ जाए ना ट्रेड करनी तो वो इनफ है आपके लिए, ठीक है। और दूसरी जो है ना वो स्पाइक कैसे कैच करते हैं, आज सब सबसे ज्यादा लोग जो ना मुझसे क्वेश्चन करते हैं भाई आप स्पाइक कैसे कैच करते हैं। अब आप लोग मुझे जरा ये देख के बताएं कि ये मूव पहले मैंने अंदाजा लगा लिया इस मूव का, ठीक है, अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 कैंडल्स लगी हैं, 5 छोटी छोटी मतलब बायर्स की, ठीक है, फुल हैवी ट्रेंड है बाय का, ठीक है। इसके अंदर स्पाइक कैच करना क्या मुश्किल होगा, इसके अंदर तो आप लोग ना चाहते हो भी कोई TL ड्रा करेंगे ना भाई तो इसमें स्पाइक आएंगे आएंगे, कैसे ये देखें जरा, ये TL ड्रा करें, ये देखें ये TL ड्रा की है, कितने स्पाइक है इस TL के ऊपर से। मैं जो ना सबको यही कहता हूँ कि भाई पहले ट्रेंड पकड़ो, उसके अंदर स्पाइक खुद ब खुद आते आएंगे, ये एक लग गया, दूसरा भी चलो लग गया, हमने नहीं माना, जब तीसरे पे आया ठक 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 कैच किया, फिर इस पे आया फिर हमने कैच किया, तो अब ये इधर नीचे को TL लगा लें ऐसे, ये वाली, फिर इस पे स्पाइक है, फिर आपने स्पाइक कैच किया, ये दो लग गए थे, तीसरा फिर स्पाइक पकड़ लिया आपने, ठीक है। जब मार्केट एक ट्रेंड के अंदर आ जाती है ना आप लोगों को पता होता है कि भाई अब ये जो है ना H1M30 के ऊपर जो है ना वो हमारी फेवर में है, हम हमने जिस डायरेक्शन को स्पाइक पकड़े हैं ये उसी जो डायरेक्शन में है, जैसे मर्जी TL लगा के इसको पकड़ो मार्केट उसके ऊपर स्पाइक देती ही देती है, ठीक है। ये जो TL है ना इनकी लॉजिक मैं कभी आप लोगों को समझाऊंगा फिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अभी वीडियो लंबी हो रही है तो अभी देखें और कमेंट्स में मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।